हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक मादा युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर, बीजांड की संरचना, ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं उस ओव्यूल के अंदर किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका उपस्थित होती है और ये द्विगुणित कोशिका होती है, डिप्लॉइड सेल है। ये डिप्लॉइड सेल मियोसिस करके, अर्धसूत्र विभाजन करके एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, एक गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। और मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद में दो मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर बनते हैं। ये सारा प्रोसेस ओव्यूल के अंदर उपस्थित जो सेल्स है, न्यू सेलस बीजांड का उत्तक है, उनके अंदर ये हो रहा है प्रोसेस। तो मियोसिस करके मेगास्पोर मदर सेल दो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। यह है मेगास्पोर गुरु बीजाणु और फिर मेगास्पोर, ये दो मेगास्पोर जो है ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ, एंटी पोल्स की तरफ जो है चले जाते हैं। इनकी गति जो होती है वो हमेशा विपरीत ध्रुवों की तरफ होती है, तो ये दोनों एंटी पोल्स पे चले जाते हैं और एंटी पोल्स पे जाकर के फिर से डिवीजन करते हैं, यानी मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के जो रिजल्टेंट है हमें हमेशा क्या मिलती है, चार कोशिकाएं मिलती है, फोर सेल्स मिलती हैं। तो यानी कि ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसका मीनिंग ये है कि हमें चार मेगास्पोर देखने को मिले और दो मेगास्पोर एक एंटीपोल पे होंगे और दूसरे जो मेगास्पोर होंगे दो, वो उसके एंटीपोल्स पे होंगे। तो ये हमें कितने मिल गए स्पोर्स, चार गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। ये चारों गुरु बीजाणु जो है मेगास्पोर, ये एक लीनियर ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाते हैं, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गए हैं और ये है चैलेजल पार्ट है, निभाग क्षेत्र है। तो दूसरा जो पार्ट होगा ये क्या है, माइक्रोपाइल वाला रीजन है, बीजांड द्वार। तो जो चैलेजल पार्ट वाली जो कोशिका है, यानी कि जो हम चैलेजल पार्ट वाली मेगास्पोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मेगास्पोर जो है ये एक सिर्फ चैलेजल पार्ट वाला मेगास्पोर रह जाता है और जो बाकी की तीन की जो मेगास्पोर्स है, गुरु बीजाणु है, वो डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक सिंगल मेगास्पोर जो चैलेजल पार्ट वाला रह गया, यही आगे जाकर के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है और इसे कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा और भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका, या प्रथम हम कहते हैं कि जो कोशिका कहते हैं वो फंक्शनल मेगास्पोर को कहते हैं। ये एक गुरु बीजाणु है, ध्यान रखना है आपको कि ये मेगास्पोर होता है, इसीलिए इसको एम्ब्रियो सैक मदर सेल भी कहा जाता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो आगे जाकर के फ्री सेंट्रल डिवीजन में पार्ट लेता है, मुक्त केंद्र के विभाजन करता है और खूब सारे केंद्रकों का निर्माण करता है। तो फ्री सेंट्रल डिवीजन कर रहा है, तो फंक्शनल मेगास्पोर सबसे पहले फ्री सेंट्रल डिवीजन करके दो केंद्रकों का निर्माण करता है, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है और अगेन ये न्यूक्लियस केंद्रक जो है ये एंटी पोल्स पे चले जाते हैं, दोनों विपरीत ध्रुवों के ऊपर स्थापित हो जाते हैं। फिर ये जाकर एंटी पोल्स पे फिर से डिवीजन करते हैं, फ्री सेंट्रल डिवीजन होते हैं और हमें दो से चार न्यूक्लियस मिलते हैं, चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है।
फिर एंटीपोल्स पे वो चार जो हमें जो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे थे वो चार वापस से जो है डिवीजन करते हैं, फ्री सेंट्रल डिवीजन करके एट न्यूक्लियस कंडीशन बनाते हैं, एट न्यूक्लियेटेड कंडीशन बन जाती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोश है, वो हमेशा एट न्यूक्लियेट कंडीशन के अंदर रहता है, आठ केंद्र की अवस्था उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फंक्शनल मेगास्पोर था, क्रियाशील गुरु बीजाणु था, इसने फ्री सेंट्रल डिवीजन किया है, मुक्त केंद्र के विभाजन, और पहले उसने दो न्यूक्लियस का निर्माण किया, दो केंद्रकों का जो विपरीत ध्रुवों पर स्थापित हो गए, फिर वहीं पे पोल्स के ऊपर जो है वापस डिवीजन हुआ और चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ और चार से आठ न्यूक्लियस बने। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो केंद्रक हैं, हमें क्या देखने को मिलेगा कि इनमें से जो दो ऊपर से एक कोशिका, एक केंद्रक और दूसरा केंद्रक, ये दो जो न्यूक्लियस हैं ये सेंटर की तरफ गति करने लग जाते हैं, सेंट्रल रीजन के अंदर गति कर जाते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक सिंगल सेल का, एक एकल कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट के अंदर तरफ चले जाते हैं और एक सिंगल कोशिका का निर्माण करते हैं, सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक हमें क्या देखने को मिल रहे थे, सिर्फ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था, और अब इन न्यूक्लियस ने मिलकर क्या करा, कोशिकाओं का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये दो न्यूक्लियस एक सिंगल कोशिका का निर्माण करते हैं, और इसे हम कहते हैं या तो पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसे, ध्रुवीय केंद्रक बोल सकते हैं, या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी इसे बोला जाता है, द्वितीय केंद्रक भी कह सकते हैं इसे, और सेकेंडरी सेल भी बोल सकते हैं इसे, द्वितीय कोशिका। तो पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक और सेकेंडरी सेल, द्वितीय कोशिका जो है वो बनती है कैसे, कब वहाँ बनेगी, सेंट्रल रीजन में बनेगी, दोनों एंटीपोल्स की एक एक न्यूक्लियस के फ्यूज होने से बनती है। उसके बाद जो चैलेजल पार्ट के जो बाकी के जो तीन केंद्रक थे, चैलेजल पार्ट में जो तीन न्यूक्लियस मिल रहे थे वो फ्यूज हो जाते हैं और ये तीन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो यही न्यूक्लियस जो है वो कोशिकाओं में डेवलप हो गए हैं, सेल्स में इनका डेवलपमेंट हो गया है, और ये तीन सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इनके इन्हें कहेंगे एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और फिर माइक्रोपाइल रीजन वाले जो तीन न्यूक्लियस रह गए हैं वो न्यूक्लियस भी जो है तीन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, तीन सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन तीन सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है, सेंट्रल रीजन वाली जो आपको सेल नजर आ रही है ये है एग सेल, अंडकोशिका, साइड की जो दो सेल्स है लेटरल सर्फेस पे जो सेल्स हैं ये है सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं, और ये तीनों सेल्स मिलकर बनाती हैं एग एपरेटस। अंड उपकरण, यानी अब ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो हम यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था कि जो आठ न्यूक्लियस हमें मिले थे उनमें से दो न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन में जाकर के एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ये एक सिंगल कोशिका है लेकिन इनके न्यूक्लियस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। इसका मतलब कि इस सेल के अंदर डाइकैरियोटिक कंडीशन पाई जाती है, द्विकेंद्र की अवस्था उपस्थित होती है। तो ये डाइकैरियोटिक कंडीशन की एक सिंगल सेल मिल रही है, तो यहाँ पे हमें टोटल क्या देखने को मिला कि जो एंटीपोडल सेल्स है वो थ्री सेल्स हैं और एक सेल सेंट्रल रीजन में, और टोटल जो माइक्रोपाइल वाले रीजन में है वो तीन सेल्स मिलके एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार जो है हमें एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर
सात कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और आठ केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो एट न्यूक्लियस और सेवन सेल कंडीशन हमें देखने को मिलती है, सेवन सेल और एट न्यूक्लियेटेड कंडीशन, कंडीशन एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर देखने को मिलती है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है उसी को फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है, और यही फीमेल गैमेटोफाइट आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या हुआ था, कि न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल थी, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल ने म्यूसिस किया, अर्धसूत्री विभाजन किया और दो मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया। फिर म्यूसिस सेकेंड हुआ तो दो से चार मेगास्पोर एंटीपोडल रीजन्स के अंदर हमें देखने को मिले। फिर उसके बाद में जो चार जो मेगास्पोर्स थे वो लीनियर ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गए, और फिर उसके बाद में जो चैलेजल पार्ट वाला निभाग क्षेत्र वाला जो एक मेगास्पोर था सिर्फ वो रह जाएगा और बाकी के तीनों जो मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो गए। ठीक है, जो रह गया उसे हमने कहा फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु फंक्शनल मेगास्पोर ने आगे फ्री सेंट्रल डिवीजन किया, मुक्त केंद्र के विभाजन किया, और उसने दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। ये दोनों न्यूक्लियस जो है एंटीपोडल, ये जो है एंटीपोल्स पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे वापस से फ्री सेंट्रल डिवीजन होगा तो दो से चार न्यूक्लियस बने, चार से आठ न्यूक्लियस बने, और फिर इन आठ न्यूक्लियस में से जो है हमें देखने को मिला कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से जो है ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इसका आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।